जो नवरात्रे के पहले पर्व पर 29 तारीख को वहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में अपने परंपरागत तरीके के अंदर मंत्रोच्चारण के साथ ज्योत जलाई जाएगी, प्रचंड ज्योत प्रज्वल की जाएगी और उसके साथ ही छड़ी पूजन किया जाएगा। आज हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रांत से, जम्मू से, पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से तमाम प्रधान वहाँ पे शिवसेना इकाई के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ और राष्ट्रीय संगठन हमारे विनय शुक्ला जी और राष्ट्रीय संगठन गुलाबचंद दुबे जी भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप के अंदर उपस्थित है, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। और सबसे जम्मू की बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिनका मैं तय दिल से अंदर स्वागत करता हूँ। वो हमारे उनको किसी तरह के पहचान बताने की जरूरत नहीं है, वो हैं हमारे गंगाधर जी महाराज जो स्वांजना में हैं और द्वारका जा शास्त्री जी के सुपुत्र हैं, वो भी आप यहाँ पर आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज माता के जयकारों के साथ एक और यहाँ पर सब जितने भी दर्शक हैं, जितने भी माता के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको महाराज गंगाधर जी के प्रवचनों से भी निहाल किया जाएगा। जी जय श्री राम। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज 28 तारीख को 4 बजे के करीब यहाँ से यात्रा निकलेगी। ये यात्रा बिल्कुल कल्याण का मार्ग, शिव मैंने कल्याण, बार बार शिवसेना का नाम आ रहा है, ये कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करती हुई कि प्रत्येक व्यक्ति कल्याण की कामना करता हुआ और अपना और औरों का कल्याण कैसे हो उसका प्रचार करते हुए माँ भगवती के चरणों तक पहुँचेगी। इस यात्रा पर मैं सबको आपके माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से सुनेंगे, सबको मेरी ओर से यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी। धन्यवाद।